पंजाब दे विच इक वार मुड़ तो वड्डी गैंगवार हुई है। दो धिरां आमो सामने हुई ने ते दोवां ने एक दूजे दे उत्ते जम के गोलियां चलाईयां ने। कई राउंड इस दे विच कहा जा रहा है कि फायरिंग की गई है। फिलहाल मौके दे उत्ते पुलिस पहुंची है पर हाले तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो दस दिए कि एक बार मुड़ तो गोलियां चलिया ने। दस दिए कि गोलियां दे नाल दिल्ली लुधियाना जिते कि दो गैंग आमो सामने होए ने ते एक दूजे दे उत्ते गोलियां चलाईया गई ने। कहा जा रहा है कि कार दे झगड़े नू लैके यह गैंगवार हुई है। हालांकि जदों यह गैंगवार हुई तो मौके दे उत्ते ही पुलिस नू सूचना दी गई पर कहा जा रहा है कि जदों तक यह पुलिस पहुँचती उस तो पहला ही जिन्हां दे विच गैंगवार हुई है वह मौके तो फरार हो गए। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची है तो मामले की जांच शुरू कर दी है। तो लुधियाना दे विच एक गोलियां चलिया ने। दो धिरां आमो सामने हुई ने। गैंगवार हुई है एक बार मुड़ तो गोलियां दे नाल दैलिया लुधियाना। तो दस दिए कि सर्कट हाउस के कोल एक गोलियां चलिया ने। कार के झगड़े को लेकर कहा जा रहा है कि दो गैंग आमो सामने हो गए और नौबत गोलियां चलाउन तक आ गई। तो दस दिए कि पंजाब दे विच एक बार फिर तो वड्डी गैंगवार हुई है। हालांकि इस गोलियां चलाउन दे कांड दे विच कहा जा रहा है कि किसी दे भी हाले जख्मी होने की खबर सामने नहीं आई है पर लगातार हुण पुलिस दे वल्लों जांच की जा रही है। तो लुधियाना दे सर्कट हाउस दे कोल ए गोलियां चलिया ने। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਜਰੂਰ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਗਤਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਐਸਟੋ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਪੀਏ ਯੂ ਪੀਏ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਫੈਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।